हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर हमारे एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को वीडियो की थंबनेल देखकर पता चल गया आज का वीडियो कैसा रहने वाला है, तो आज का बेसिकली जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाए हैं, जो जो 2022 की जो एक न्यू तरीका है निकालने की, जो रेक्टेंगुलर पार्ट का तो हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ, लेकिन उसी में अगर इररेगुलर शेप हो जाता, मतलब अगर हमारा प्लॉट की साइज अगर टेढ़ी आती है या टेपर्ड होती है, तो उसका हम किस तरह निकालेंगे, तो आज हम डिटेल से सीखेंगे। जिन भाई को नहीं आता है, जो साइट पे काम करा रहे हो एज ए फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर है और सुपरवाइजर है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और जो क्लाइंट है वो भी इस चीज को देखिए, ताकि आप अपने घर का किसी भी चीज की आप मेजरमेंट निकाल सकते हो और अपने प्लॉट का भी मेजरमेंट निकाल सकते हो। जैसे आप कमरे में रहते हो, अगर उसका आप मेजरमेंट निकालना चाहते हो कितने बाय कितने की फीट की है और कितना एरिया होती है और यार्ड स्क्वायर क्या होता है, एक यार्ड यार्ड में कितने फीट होता है, ये सारी डॉट्स आज आप लोगों की क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये एक तो मैंने इरेगुलर शेप का ये पार्ट मैंने बनाया आप लोगों के लिए। देखो इस तरह अगर आपका प्लॉट आ गया, मतलब सपोज ये वाला आपका पोर्शन नहीं मिल रहा है, ये वाला पार्ट आपका नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा सेकेंड है, सेकेंड। और दूसरी मैंने आप लोगों के लिए जो रेगुलर शेप का ली, ये 50 फुट है, तो ये भी हमारा 50 फुट है, ये 40 फुट है, ये भी हमारा 40 फुट है। तो सबसे पहले इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे, फिर उनको भी हम सोल्यूशन करेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 1 यार्ड इक्वल टू, मैं सिर्फ स्क्वायर फीट में नहीं बता रहा हूँ आपको, यार्ड स्क्वायर में भी, जो हम हिंदी में गज बोलते हैं, कि मतलब कितने गज की प्लॉट है। जनरली कॉन्ट्रेक्टर लोग यही बोलता है कि कितने गज का प्लॉट है, साइज क्या है। स्क्वायर फीट बहुत कम यूज करते हैं लोग साइट पे, तो इसलिए हम दोनों चीज फाइंड करना सिखाएंगे आज, और वो विस्तार से सिखाएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल बने रहिए हमारे वीडियो में, राइट। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सब पहले पहली बात तो हम सुन लेते हैं, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, मतलब 1 यार्ड मतलब 1 गज में 3 फीट होता है, राइट, समझ गए। और 1 यार्ड स्क्वायर में कितना होगा, मतलब 1 गज स्क्वायर में कितना होगा, 9 स्क्वायर फीट होता है सपोज, ठीक है। बस अभी बेसिकली ये चीज आप पकड़ के रखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। प्लॉट एरिया कैसे निकालें, यानी यह प्लॉट की मेजरमेंट कैसे निकाले। अगर आपको इस तरह की शेप अगर आपके पास है या कहीं पे भी मेजरमेंट निकाल रहे किसी भी चीज की, हो सकता है आप स्लैब पे बहुत लेवल पे काम होता है, या तो आप किचन के कैबिनेट नाप रहे हो, या तो आप किचन के साइज नाप रहे हो, तो मतलब ये सारी चीज आप इसी मेटर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या, रेक्टेंगुलर पाथ, इसको हम बोलते हैं लेंथ, इसको हम बोलेंगे विड्थ, राइट। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, प्लॉट एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मैं फटाफट कर लेता हूं, प्लॉट एरिया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ओके ठीक है। प्लॉट एरिया इक्वल टू, राइट, प्लॉट एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ, हम एल दे देते हैं सपोज आप लोगों के लिए, लेंथ इंटू विड्थ, राइट, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लेंथ हमारा कितना, 50 फीट, बस हम यही करेंगे। अब स्पेस किया, फिर मैंने इक्वल लगाया, सॉरी, ठीक है, इक्वल लगा दिया, लेंथ के जगह पे हमारा लेंथ कितना है, 50 फीट, मैं 50 दे दिया, राइट, इनटू कितना, अब हमारा कितना है, 40 फीट, ठीक है। क्योंकि हमारा ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, इसलिए मैं इतना से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब सपोज ये लेंथ और ये वाला पोर्शन से करूं, तो पूरे का हमारा पास एरिया आ जाएगा प्लॉट का, राइट। तो टोटल एरिया इक्वल टू कितना हो गया मेरा, ठीक है, टोटल इक्वल टू हमारा एरिया कितना बन गया, 200, 200 मतलब क्या, SQFT, एस क्यू एफ टी का फुल फॉर्म होता है स्क्वायर फीट, क्योंकि देखो ये लेंथ है, अगर हम इसको एक्स मानते हैं, इसको हम एक्स मानते हैं, 2x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह ये और ये मल्टीप्लाई करने के स्क्वायर फीट हो गया 200 स्क्वायर फीट। तो अब यार्ड यार्ड स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर 200 स्क्वायर फीट है तो गज कितना निकलेगा हमारा, सपोज गज कितना निकलेगा, तो हम निकाल लेते हैं यार्ड
यार्ड स्क्वायर, एस यार्ड स्क्वायर फीट बोल दो या स्क्वायर बोल दो, एस एस क्यू में दे देता हूं, यार्ड स्क्वायर या गज, गज गज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ये 200 200 डिवाइडेड बाय कितना से, देखो 1 यार्ड स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट मैंने बोला था पहले, और 1 यार्ड स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो इसमें डिवाइड किससे होगा, 9 से, ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब दो टोटल हमारा 2000 स्क्वायर फीट आ गया, तो 1 यार्ड स्क्वायर इक्वल टू मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 9 स्क्वायर फीट होता है, तो यार्ड स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो यार्ड स्क्वायर या गज अगर हम निकालेंगे तो इसमें अगर हम डिवाइड कर देंगे 9 से तो हमारा आ जाएगा, देखते हैं आप कैलसी पे कर सकते हो ठीक है, तो इक्वल लगाया ठीक है, इक्वल लगा दिया तो कितना हो जाएगा 222, मैं कैलसी पे कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है, आप भी कीजिए, 222.22, ये क्या यार्ड स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया, यार्ड 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 SQFT स्क्वायर फीट, यार्ड स्क्वायर फीट SQFT राइट, ये मैंने सोल्यूशन कर दिया। अब देखो सपोज अगर हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर आप 40 से 3, अगर सिंपल हमारा लेंथ कितना है 3 फीट होता है 1 यार्ड, तो आप यहां से भी कैलसी पे कर सकते हो, तो सपोज आप करोगे तो यही चीज आपको दिखाई मिलेंगे ठीक है, तो 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है, तो 40 डिवाइडेड बाय 3 कर देना तो ये डायरेक्टली आपका यार्ड निकल जाएगा, और इसको भी आप 3 से भाग दो ये यार्ड होगा, तो इंटू यार्ड तो टोटल यही आपका रिजल्ट आ जाएगा यार्ड स्क्वायर राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये तो हमारा था रेक्टेंगल, ये बेसिक चीज है, आप लोग बेसिक अगर रहे तो इस तरह आप निकाल सकते हो मेजरमेंट, इस तरह कर सकते हो, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब अगर आपका प्लॉट साइज इस टाइप का हो जाए, समझा करो कि ये प्लॉट साइज आपका इस टाइप से हो जाए, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे एक दूसरे का एवरेज लेंगे ठीक है, हम अभी फॉर्मूला दिखाएंगे, एक 30 फीट है 50 फीट है, ये 50 है ये 40 है, यही है हमारा, तो इसको हम ए मानेंगे और इसको हम ए डैश मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे तो इसको हम बी डैश मानेंगे राइट, तो उसी तरह हम फॉर्मूला पे चलते हैं ठीक है। तो प्लॉट एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, ये तो पता ही है, एवरेज एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का मतलब क्या, ये आप प्लस ये या पहले आप 50 आप प्लस ये कुछ भी कर लिख सकते हो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे का एवरेज ले रहे हैं राइट, तो ये ए प्लस ए डैश डिवाइडेड बाय 2, 2 से अगर भाग देंगे तो आप 9 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास सब में आप एवरेज निकालना सीखे हो, और जो कि हम लोग हिंदी हिंदी में उसको औसत बोलते हैं ठीक है, तो एवरेज हम ऐसे निकालते हैं, दोनों का हम क्या किया एवरेज निकाल दिए, अब मल्टीप्लाई लेंथ की जगह पे ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया लेंथ, अब हम विड्थ की जगह क्या है बी प्लस बी डैश, अब चलते हैं फिर से फॉर्मूला पे, ये हमारा हो गया बी प्लस बी डैश, ये बी और ये बी डैश राइट, तो हम सॉल्व कर लेते हैं ठीक है, सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कर लेते हैं राइट। चलो मैंने इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद ए कितना था हमारा, ए कितना हम ब्रैकेट में कर देते, एक बार में डिवाइड कर देंगे राइट, ए कितना था, नहीं हम कर करके दिखाएंगे, ए कितना था करो आप लोग कैलसी पे फटाफट, ए हमारा था 50 50, अब प्लस प्लस ठीक है, ए इतना था अब प्लस 50, अब प्लस हमारा कितना था 30, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, आप कर देना पूरे पे डिवाइड बाय 2 करोगे तो इक्वल टू कितना हो गया, रुको थोड़ा मुझे दिक्कत पावर पॉइंट में दिक्कत होती है ठीक है, आप ऐसे तो कितना हो गया, हम सिंगल सिंगल कर लेते ठीक है, इक्वल किया अब आपका कितना 5, यानी ये 50 अब प्लस 30 कितना, मेरा ये वाला पार्ट निकल जाएगा 80 हो गया राइट, अब इसमें भाग दे देंगे 2 से तो फिर मेरा रिजल्ट कितना आएगा 40, मतलब
आपने क्या देखा कि अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, 50 से 80 से 2 में भाग देते हैं, तो दोनों एवरेज में रिजल्ट हमारा क्या दे रहा है, 40। लेकिन कहां पे, यहां पे क्या है, 30, यहाँ पे है 50। ठीक है, तो एवरेज हमें 40 मिल गए, राइट। ठीक है, अब हम इसका और इसका एवरेज लेंगे। ठीक है, इसका भी वही तरीका। ठीक है, अगर हम निकालेंगे विड्थ, ये तो हमारा लेंथ वाला पार्ट था, तो हम लेंथ लिख देते हैं, आप लेंथ, राइट। और हम ठीक है, यहां पे हम विड्थ लिख देते हैं, राइट, विड्थ लिख दिए। तो विड्थ का भी तरीका क्या होगा हमारा, बी प्लस बी डैश, तो हमारा कितना था, 50 प्लस 40, 50 अब प्लस 40 डिवाइडेड बाय इक्वल टू कितना, दोनों को मिला होगा 90, राइट, डिवाइडेड बाय टू, ये फॉर्मूला से बी 50, अब इतना तो 90 हो गया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा रिजल्ट आएगा 45, राइट। आप देख ले कि दोनों का एवरेज निकल गया, तो इजी है, आप लेंथ पे पुट कर देंगे फॉर्मूला पे, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ हमारा कितना 40, 40 इंटू 45, यही एवरेज आया था, तो इक्वल टू फॉर्मूला कितना हो गया, 40 इंटू 45, कर केलसी पे कर लो, ठीक है, 40 इंटू 45 अगर करते हैं, 1800 क्या हो गया स्क्वायर फीट, एस एस क्यू एफ टी, राइट, ये स्क्वायर फीट हो गया। अभी यार्ड आपको निकालना बताया था, गज में अगर निकाले तो 1 यार्ड स्क्वायर या स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर यार्ड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसमें हम 9 से डिवाइड कर देंगे, राइट, क्योंकि मैंने बताया 1 स्क्वायर यार्ड में 9 फीट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कितना हो गया अब मेरा, 1800 डिवाइडेड बाय 9, तो इक्वल टू रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 200 यार्ड स्क्वायर, यार्ड स्क्वायर फीट, एस क्यू एफ टी कर दो, एस क्यू, आप सही से लिख लीजिएगा, मैं पावर पॉइंट पे आप लोगों को बता, तो आप लोगों ने देखा कि कितने इजी है कैलकुलेशन, इरेगुलर शेप। आज मैंने बताया कि अगर आपके पास अगर ट्रेही मेरी प्लॉट आया या टेपर्ड आपकी प्लॉट साइज है, तो आप उसको भी इजी तरीके से निकाल सकते हो, स्क्वायर फीट में निकाल सकते हो, उसी तरह आप स्क्वायर मीटर में भी सेम कैलकुलेशन यही रहेगा, लेकिन मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल पार्ट भी आपने कितना इजी तरीके से देखा, लेंथ इनटू विड्थ क्या हो गया, अगर रेगुलर इन रेगुलर शेप है तो उसका एवरेज लेके हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत सारा टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं आ जाए, अगर प्लॉट साइज कहीं से भी आपका इस शेप में नहीं बन रहा है, कहीं 4 फीट अंदर जा रहे, कहीं 5 फीट बाहर जा रहे, कहीं पे कुछ हो रहा है, उसका हम कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में एक फॉर्मूला की सहायता, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको हम बताएंगे, आप किसी भी तरह के आपको कितनों मतलब कितना भी टेपर क्यों ना हो जाए प्लॉट साइज, वो हम इजी तरीके से सिर्फ एक फॉर्मूला और एक ट्रिक से हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, आज बस इतना ही।